Assalamu alaikum, my dear students. A very warm welcome to our offline automotive class. We are studying road safety and we have started its second session, safe and responsible driving. Our today's topic is knowing your vehicle. Well, students, हमने last video में ये पढ़ा था कि हम खुद को जब तैयार करते हैं driving के लिए तो हमें दो चीजों का ख्याल रखना होता है. एक तो हमारी फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस कि कहीं हम ड्रंकन सिचुएशन में तो नहीं है, कहीं हमने कोई ऐसी मेडिसिन या ड्रग तो नहीं ली है जिससे हम स्ट्रेसफुल हैं और हमारे रिस्पॉन्सेज अफेक्ट हो रहे हैं, कहीं हम बीमार तो नहीं है, कहीं हम अपसेट तो नहीं है, टायर्ड तो नहीं है, तो उन कंडीशंस में ड्राइविंग रिस्की हो जाती है. और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है नोइंग योर व्हीकल. तो आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है दैट इज व्हाट टू नो अबाउट योर व्हीकल. हमें व्हीकल को ड्राइव करना है और हमें पता है ये सारा ऑटोमेटिक है, हमें बस हमारे हाथ में स्टीयरिंग है और हमारे पेडल्स के नीचे हमारा एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, मगर ये व्हीकल कहीं भी कभी भी घूम सकता है, कुछ भी सामने आया या हमारी मेंटल अलर्टनेस को इफेक्ट हो गया और हमने लेफ्ट टर्न के बदले राइट टर्न ले लिया. तो हमें व्हीकल के अंदर के पार्ट्स को अच्छे से जानना है, हमें अंदर के जो भी बटन्स हैं, जो भी कंट्रोल्स हैं, उन्हें अच्छे से समझना है कि कौन सा बटन क्या किस चीज के लिए है, हमारी लाइट्स कहाँ पे है, हमारी हेडलाइट्स का कौन सा बटन है, हमारे वाइपर्स का कौन सा बटन है, हमारे एसी का कौन सा बटन है, हमारे व्हीकल के अंदर जो व्हील्स हैं वो कैसे ड्राइव, उन्हें कहाँ से ड्राइव मिल रही है, हमारी ब्रेक्स, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें हमें व्हीकल के अंदर जाननी है. गो थ्रू द व्हीकल ओनर्स मैनुअल. जब भी हम व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें एक मैनुअल साथ होता है, व्हीकल ओनर्स मैनुअल. जैसे मैनुअल हर एक ऑटोमेटिक चीज के साथ होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ भी होता है, उस पे टिप्स दिए गए होते हैं, रूल्स दिए गए होते हैं उस चीज को चलाने के लिए. तो ऐसे व्हीकल्स के साथ भी व्हीकल ओनर्स मैनुअल होता है, तो हमें उसको पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा बटन सिचुएटेड है, कहाँ पे कौन सा कंट्रोल है व्हीकल का. You should know the features of the vehicle you are going to drive. For example, anti-lock brakes, four-wheel drive. जो हमारा vehicle है, जो हमने खरीदा है, जो अब हम चला रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, उसके क्या फीचर्स हैं? आप देखते हैं आजकल जो भी नया नया मॉडल, बेस मॉडल में एक कुछ फीचर्स होते हैं, फिर टॉप मॉडल में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं व्हीकल के, तो हर एक मॉडल के साथ उसके फीचर्स भी वैरी हो जाते हैं. आजकल आपने देखा है हमारी जो ट्रांसपोर्ट बसेस भी होती हैं उन पे पीछे लिखा होता है एबीएस. एबीएस क्या होता है? दैट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है व्हीकल का. इससे कंट्रोल रहता है ब्रेकिंग सिस्टम पे और हमारे व्हील्स पे भी. तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है वही हमें देखना है. हमारी व्हीकल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेक्स है. एंटी लॉक ब्रेक एक ओवरऑल स्टेबिलिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है व्हील्स को. जब भी हम हैवी ब्रेक्स देते हैं, अचानक से ब्रेक देते हैं, तो वहां पे खतरा होता है कि व्हील लॉकअप हो जाए और आगे चलना बंद करे. ठीक है, तो उस वक्त सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं दैट अ व्हील इज अबाउट टू लॉक अप एंड स्टॉप मूविंग. तो उस वक्त क्या होता है, ब्रेक्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती हैं, वापस ब्रेक चली जाती है. सो उसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक ओवरऑल स्टेबिलिटी सिस्टम है. वो देखता है कि वो व्हील्स को मॉनिटर करता है अंडर हैवी ब्रेकिंग. हर एक व्हील के साथ एक सेंसर अटैच होता है और अगर सेंसर ने डिटेक्ट किया कि व्हील लॉकअप हो गया और अब चल नहीं पा रहा है, इट हैज स्टॉप्ड मूविंग, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम की ब्रेक वो रिलीज हो जाती है. ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आजकल हमारी बहुत सारी व्हीकल्स में पाया जाता है. ऐसे ही हमारा फोर व्हील ड्राइव. फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है, इससे फोर के फोर व्हील्स पे साइमल्टेनियसली टॉर्क पहुंच जाता है और ड्राइव मिल जाती है व्हीकल को. तो इन फीचर्स का हमें ख्याल रखना होता है हमारे व्हीकल में ये चीजें हैं या नहीं. एंश्योर डैट यू नो व्हाट द कंट्रोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर एंड व्हाट दे डू.
चेक दैट ऑल इमरजेंसी सिग्नल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्क। जैसे ही हमने गाड़ी में अपनी सीट पे बैठे तो हमें आसपास देखना है, अगर हमें विंडोज नीचे करनी है तो उसके बटन्स कहाँ हैं, अगर हमें डोर्स ओपन करने हैं तो हमें कैसे करने हैं, अगर हमें वाइपर्स चलाने पड़े, वॉशर्स चलानी पड़ी, हेडलाइट्स चलानी पड़ी, इंडिकेटर्स चलाने पड़े, तो इन सारी चीजों का ऐसे हमें इनको इनको ऐसे हमें याद रखना है, मेमोराइज करना है, ऐसे हमें कि हम बगैर इन चीजों की तरफ, बगैर इन बटन्स की तरफ देख के हम खुद से, हमारे हाथ खुद वहां पे चले जाए जब भी इनकी नीड हो। क्योंकि अगर हम देखने लगेंगे अरे हेडलाइट का बटन मिल ही नहीं रहा है, कैसे होगी हेडलाइट ऑन, उतने टाइम तो आगे खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हमें इतना इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन बटन्स को याद रखना है कि हमारा ऑटोमेटिकली जब भी हमें इंडिकेटर दिखाना है, ऑटो हमारा अचानक से बिल्कुल उसी इंडिकेटर को लेफ्ट या राइट हमारा वहां बटन प्रेस हो जाए, या हेडलाइट्स ऑन करनी है, या वॉशर्स चाहिए, या वाइपर्स चाहिए, तो इतना हम यूज टू दीज कंट्रोल्स होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू टर्न ऑन वाइपर्स, वॉशर्स, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स एटसेट्रा without having to look at them and without taking your eyes off the road. Next is seating position. हम कार में बैठे हैं तो एक प्रॉपर एक अपराइट पोजिशन होना चाहिए हमारी सीट का। बिल्कुल हम ऐसे नहीं बैठनी चाहिए कि हमारे बैक को पेन हो जाए, या ऐसे नहीं बैठनी चाहिए कि हमारी आंखों को प्रॉपरली आगे का नजर ना आए। बिल्कुल एक अपराइट स्ट्रेट पोजिशन में हमें बैठना है अपनी ड्राइवर सीट पे। प्रॉपर अपराइट पोजिशन गिव्स मोर स्टेबिलिटी व्हाइल ड्राइविंग। मेक श्योर यू कैन सी ओवर द स्टीयरिंग व्हील एंड हुड। यू शुड बी एबल टू सी द ग्राउंड 1.5 टू 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल फॉर प्रॉपर जजमेंट। आपको ऐसे अपनी सीट को एडजस्ट करना है कि आप आगे देख पाए 1.5 टू 2 मीटर आप अपने व्हीकल के आगे तक देख पाए प्रॉपर जजमेंट के लिए कि मुझे आगे, इसलिए क्योंकि हमें देखना है अगर हम ट्रैफिक जैम में रुके तो हमें आगे कितनी स्पेस रखनी है दो व्हीकल्स के बीच में, जो आगे हमारे व्हीकल है हमें कितना पीछे उसके रुकना है। इसलिए हमें ऐसे बैठना है अपने व्हीकल में कि हम आगे का अच्छे से देख पाए, हमारा पूरा स्टीयरिंग व्हील पे भी पूरा हम स्टीयरिंग व्हील को देख पाए और ग्राउंड को भी अच्छे से देख पाए। सिट स्ट्रेट एंड अपराइट इन द सीट विद योर एल्बो स्लाइटली बेंट। एडजस्ट द सीट so that your feet reach the pedals easily. Pedals आपको पता है नीचे located होते हैं और सबसे पहले drive start करने से पहले हमें pedals दबाने पड़ते, clutch दबाना पड़ता है, उसके बाद accordingly accelerator, brake, तो हमें अपनी seat को वैसे adjust करना है कि हम pedals को easily पहुंच पाए। Place your feet flat on the floor under the brake pedal. You are seated properly if you can do this. ब्रेक पैडल के साथ ही के नीचे एक फ्लोर होता है, हमें फीट को वहां पे एक रेस्ट के लिए भी वहां पे एक जगह होती है, तो हमें बिल्कुल क्लच प्लेट जहां पे होता है उसके साथ एक रेस्ट के लिए स्पेस होती है, क्योंकि क्लच पे हम कंटिन्यूसली पैर नहीं रख सकते हैं, उससे गाड़ी खराब होती है, तो इसलिए वहां पे हमें प्रॉपर फ्लोरिंग दी गई होती है। प्रॉपरली खुद को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पैर भी ना थके और हम प्रॉपरली उन पैडल्स को प्रेस कर पाए। एडजस्ट द हेड रेस्ट टू एन अप्रोप्रिएट हाइट, इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ कोलिजन। गाड़ी के सीट के पीछे, ड्राइवर्स की सीट के पीछे एक हेड रेस्ट होता है जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, तो हमें प्रॉपरली हेड को भी वहां पे प्लेस करना चाहिए ताकि हम हेड को भी रेस्ट दे पाए, और अगर खुदा ना खास्ता कभी कोलिजन हो गया आगे वाली गाड़ी के साथ तब हमारे हेड को थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी मिलती है। कार्स विद एयर बैग्स, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दैट एन एयर बैग कैन नॉट प्रिवेंट इंजरीज इफ द सीटिंग पोजीशन इज इनकरेक्ट। कार्स में एयर बैग्स होते हैं, वो तब खुद ही निकल जाते हैं जब इन केस ऑफ एक्सीडेंट एयर बैग्स निकल जाते हैं, मगर अगर हमारी सीटिंग पोजीशन करेक्ट ना हो तो एयर बैग तब हमें इंजरी से नहीं बचा सकता है। इसलिए हमें अपनी सीटिंग पोजीशन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, हमें बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बैठना चाहिए, प्रॉपरली बैठना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू शुड नो व्हाट यू शुड नो अबाउट योर व्हीकल व्हाइल यू स्टार्ट योर ड्राइविंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।